अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। हम लाए हैं आपके लिए पांच राज्यों की विशेष खबरें। पंचकुला के लोगों को ₹5 में मिलेगा साइकिल चलाने का स्वाद। चंडीगढ़ के दो युवा क्रिकेट में चमकने को तैयार। हरियाणा में 40,000 एकड़ फसल जलमग्न। 23 अगस्त को हरियाणा सरकार ने सरकारी छुट्टी घोषित की। पंजाब के 46 लाख परिवारों को मिलेगा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा का लाभ। पंजाब में भी फसलें बाढ़ से हुई बर्बाद, किसान चिंता में। अब हिमाचल में आढ़तियों को फलों के व्यापार में कमीशन मिलेगा कम। हिमाचल में 1195 पदों पर होगी पटवारियों की भर्ती। गिरफ्तारी के डर से कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम हुए अंडरग्राउंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की 6 दिन की रिमांड। अब खबरें विस्तार से। बुधवार से पंचकुला के लोग पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें आधा घंटा साइकिल चलाने के लिए केवल ₹5 किराया चुकाना होगा। पहले आधे घंटे के बाद ₹5 के हिसाब से हर आधे घंटे के लिए किराया चुकाना होगा। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों ठीक रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21 अगस्त को PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पंचकुला हरियाणा का पहला ऐसा शहर होगा जिसमें साइकिल किराए पर देने की स्कीम शुरू की जा रही है। मोहाली के खिलाड़ी शुभम गिल और सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनी व हिमाचल की तरफ से रणजी खेलने वाले सलामी बल्लेबाज प्रशांत चोपड़ा का चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। यह दोनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका ए के साथ होने वाले 5 वनडे के लिए टीम में चुने गए हैं। टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाज शुभम गिल का चयन 5 मैचों के लिए किया गया है, जबकि प्रशांत चोपड़ा का चयन 4th व 5th वनडे मैच के लिए हुआ है। 5 मैचों की यह सीरीज त्रिवंतपुरम में 29 अगस्त से 6 सितंबर तक खेली जाएगी। हरियाणा में तबाही मचाकर यमुना का पानी मंगलवार शाम दिल्ली पहुंच गया है। राहत की बात है कि यमुना के साथ साथ मारकंडा, घंगर और टांगरी के जल स्तर में भी कमी आई है। फिर भी प्रदेश के 9 जिलों में इन नदियों के आसपास रह रहे हजारों लोग बाढ़ से अब भी प्रभावित हैं। करीब 40,000 एकड़ में फसल जलमग्न है। सरकार की ओर से हर प्रकार के हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए हैं। हरियाणा सरकार 23 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएगी और सरकार की ओर से इसी दिन जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार के सम्मान्य प्रशासनिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है कि अधिसूचना के अंतर्गत मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने बताया कि हरियाणा में 24 अगस्त की बजाय 23 अगस्त को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना का लाभ राज्य के 46 लाख परिवारों को मिलेगा। पंजाब 76% आबादी को हेल्थ कवर देने वाला देश का पहला राज्य है, जबकि अन्य राज्यों में इस तरह की योजना महज 30% लोगों तक ही सीमित है। पंजाब में बाढ़ से अब तक 4,000 हेक्टेयर फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। इसके कई गुना ज्यादा फसलें पानी में डूबी हुई हैं। धान, मक्की और चारे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सुबह में 17-19 अगस्त को हुई तेज बारिश और बाद से छोड़े गए पानी के बाद खेती बाड़ी विभाग ने सभी जिलों से प्राथमिक रिपोर्ट मंगवाई है। इसके अनुसार 3,999 हेक्टेयर में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। वहीं 2,04,112 में हेक्टेयर फसलें अभी पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। हिमाचल की फल एवं सब्जी मंडियों में आढ़तियों का कमीशन 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश विधानसभा के चल रहे मॉनसून सत्र में कृषि उत्पाद मंडी समिति संशोधन बिल 2019 पेश किया जाएगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमों को भी मंजूरी दी गई। मिलावट युक्त खाद्य वस्तुएं खिलाने के मामले में अपील के लिए फूड कमिश्नर नियुक्ति होगा।
प्रदेश सरकार पटवारियों के कुल 1,195 पद भरेगी। पटवारियों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें से 933 पटवारी के पद मोहाल में और 262 पद सेटमेंट में रखे जाएंगे। राज्य के प्रधान सचिव राजस्व ने इस संबंध में पत्र भी जारी किया है। इस पत्र के अनुसार बिलासपुर में 31, चंबा में 68, हमीरपुर में 80, कांगड़ा में 220, किन्नौर में 19, लाहौल स्पीति में 174, मंडी में 115, सिरमौर में 52, सोलन में 63, ऊना में 59 पटवारियों के पद भरे जाएंगे। इनके अलावा कांगड़ा मंडल में तकरीबन 143 और शिमला मंडल में 119 पटवारियों को लगाया जाना है। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद पूर्व केंद्रीय वित्त एवं गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियां गिरफ्तार करने के लिए उनकी तलाश कर रही है। जांच एजेंसी मंगलवार शाम दिल्ली स्थित उनके घर पर पहुंची, लेकिन चिदंबरम नहीं मिले। 354 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी के एक नए केस में गिरफ्तार उद्योगपति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। अदालत ने रतुल पुरी को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब ईडी रतुल पुरी से पूछताछ करेगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।